रजिस्ट्रेशन है वो प्राइमरीली एनबीएफसीज है. इन टर्न एनबीएफसीज कई सारे एप्स यूज करते हैं, तो हम वो जो एनबीएफसीज है उनसे हमने एक लिस्ट मंगवाया कि कौन कौन ऐप जो, बिकॉज काफी सारे इलेजिटिमेट इलीगल एप्स भी है जो कि अपने आप यू नो अपने आप लैंडिंग करने की मतलब प्रॉमिस करते हैं, मोबाइल में मैसेज भेजते हैं, जो कि कोई भी एनबीएफसी सेक्टर का मतलब नो एनबीएफसी सेक्टर हैज अपॉइंटेड देम. तो एनबीएफसी सेक्टर के द्वारा जो एनबीएफसी इस लैंडिंग बिजनेस में है, डिजिटल लैंडिंग में है, उनके द्वारा जो जो ऐप वो यूज करते हैं उसका लिस्ट हमने गवर्नमेंट को दे दिया है. उस बेसिस पर गवर्नमेंट ने ये कदम उठाई. जानलेवा हैं ये ऐप्स, इन्हें कभी भी आप किसी भी तरीके से कवेजेंट अगर आपको मोबाइल फ़ोन पे लिंक भेजेंगे या फिर आपको किसी भी ऐप पे दिखे, आप इस लिंक पे क्लिक ना करें, किसी भी जानलेवा ऐप को इंस्टॉल ना करें. छोटे लोन लेने वाले लोगों को अब इंसाफ मिला है, बहुत बड़ी जीत हुई है. आपके कंप्लेन करने के बाद, इतने ज़्यादा कंप्लेन हरासमेंट के रिसीव होने के बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, इन ऐप को कम्प्लीटली बैन किया है. आगे से जिस भी ऐप्स की कंप्लेन आएंगी उनको भी रिमूव किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा. RBI गवर्नमेंट IT मिनिस्ट्री के घंटे अवेलेबल है आपकी हेल्प के लिए, हेल्प कर रहा है. काफ़ी पीड़ितों को हम लोगों ने इससे बचाया, उनको एडवाइस दी, काउंसलिंग किया, उनके पैसे बचाएं, समय बचाया, जाने तक बचाएं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर आप भी किसी भी फेक लोन ऐप के द्वारा परेशान किए जा रहे हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें भी जागरूक करें, खुद को सेफ एंड सिक्योर रखें.